छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक एक दिवसीय दौरे पर मनेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उनके साथ योगेश लांबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर धरमलाल कौशिक ने रेस्ट हाउस में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं कौशिक वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय पोद्दार के आकस्मिक निधन पर उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से खैरागढ़ उपचुनाव में जीत मिलने का दावा किया है। आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। लोग थक चुके हैं, माफियाओं का राज चल रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है, लूट हो रहा है, ऐसा सरकार कभी लोगों ने देखा नहीं और उब गए हैं लोग। लगभग 50% से ऊपर मतदान हो गया है। जो रुझान है वो भाजपा की तरफ है। कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हो रही है और कांग्रेस के पराजय सामने है, मुख्यमंत्री विचलित है, इसको लेकर के लगातार कैंप किए। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में कोई उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री इतने बार कैंप नहीं किए होंगे। ये डटे रहे वहाँ, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो इनको पैसा के ऊपर, साड़ी के ऊपर विश्वास है, इसको भी उसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिलेगी।